इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूसी न्यूज़ पे इमेज और जीआईएफ कैसे पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, क्रोम ब्राउज़र को हम यहाँ ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे mp.ucwave.com, जैसा कि मेरे ऊपर में आ रहा है, मेरे में ऑलरेडी ओपन है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो mp.ucwave.com को आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो है यूसीवी मीडिया, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आया है। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं कोना में, ये रेड बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आपको दिख रहा है, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद ये डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड डालना होगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए जैसे हम यहाँ डाल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आपको डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका कैप्चा दिया हुआ, जैसे QTAB, उसको आप भर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता आप यहाँ रिफ्रेश करके चेंज भी कर सकते हैं। QTAB यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लॉगिन पीला पीला बटन दिख रहा है आपको, लॉगिन का, लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा खुल चुका है। खुलने के बाद आप यहाँ सिंपली जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का ये व्यू दिखेगा आपको, ये फॉलोअर्स दिख रहा है, उसका ये इंडेक्स दिख रहा है, और ये पैसा दिख रहा है जो कि आपको है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम में जाना है। उसके बाद होम में देख रहे हैं यहाँ नीचे सेकंड नंबर पे यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल, वीडियो, जीआईएफ और इमेज। आपको यहाँ पे किसी पे नहीं जाना, आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले से भी पोस्ट करके रखा है। आपको यहाँ पर जाना है न्यू इमेज में, न्यू इमेज में जाके क्लिक करना है। न्यू इमेज में जाके क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट इमेज, तो आप यहाँ इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं खुल चुका है। यहाँ पे ऐड करने के लिए फ़ोटो ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस का जो बटन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद मेरे फ़ोन में जो भी फ़ोटो है उसको हमको अपलोड करना है। तो उसका साइज़ ध्यान में रखना है कि 1 MB से कम हो और 350x350 से अधिक हो। तो हम यहाँ पे कोई भी फ़ोटो हम यहाँ पे ले लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह रखना है फ़ोटो में कहीं किसी तरह का वेबसाइट या .com या किसी ऐप्स का नाम ना आए। तो यहाँ पे अपलोडिंग हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का इमेज दिख रहा है, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको हाँ यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल में आपको क्या लिखना है, जो भी फ़ोटो पे होगा इसी टाइप का आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है तेरे, जो भी लिखा हुआ है उसी टाइप का लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइन लिख लिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, एक लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, मतलब इसका टाइटल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे कैटेगरी हमको सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी इसमें थोड़ा ये थी, मतलब प्यार मोहब्बत टाइप का, मतलब जो भी कैटेगरी आपको हम बता दिए देंगे, आपको हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें हमको कैटेगरी लेना है, जैसे कि अगर मान लीजिए जोक्स का रहेगा, जोक्स में अगर जोक्स का फ़ोटो है तो यहाँ पर होमवर्क को चूज करना है। अगर ये गुड मॉर्निंग, गुड मैसेज, जैसे विशेज के मैसेज रहे तो ऑफबीट को सेलेक्ट करना है। और अगर ये प्यार मोहब्बत टाइप का है तो इसको लाइफ स्टाइल सेलेक्ट करना है। जैसे लाइफ स्टाइल में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ फिर देखेंगे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे क्लिक कर देना। आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली ये हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से ये टैग डालना है, टैग जब तक नहीं डालेंगे तब तक आप पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टैग डाल दिए, शायरी एड कर दिए, फिर कर दिए, मतलब ये सब टाइप का दो तीन या एक भी, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ पे कर दिया मैंने ऐड, ये उसके बाद ये पूरा हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में
पब्लिश का बटन है, सेव और पब्लिश, तो आपको सेव नहीं करना है यहाँ पे, पब्लिश क्लिक करना है। पब्लिश क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जब सारा चीज़ कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, पब्लिश कर देने के बाद ओके कर देंगे। ये मेरा सिंपली हो चुका है, ये पेंडिंग में चला जा चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा यहाँ पोस्ट हुआ कि नहीं। आप पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ इमेज में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेंडिंग अभी लिखा रहा है, कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। अगर मतलब कुछ गलत रहेगा तो ये सस्पेंड हो जाएगा, अगर किसी तरह का होगा तो।